माय वेल विशर्स, वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड। सो आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिंग रहने वाला है। सो प्लीज पूरा देखना, और आप लोग देखते तो जरूर हो बट लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज अगर आप देख रहे हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, आज सच में बहुत इंफॉर्मेटिंग वीडियो रहने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग भी रहने वाली है, बिकॉज बहुत बड़ा मिथ क्लियर होने वाला है, नेचुरल या फिर केमिकल। क्योंकि हम सब बहुत कंफ्यूज रहते हैं किस प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज़ करना है, और ये भी बहुत मिथ रहता है कि इसको यूज़ करने के बाद क्या साइड इफेक्ट रहेंगे और इसको यूज़ करने के बाद सच में क्या ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा कि नहीं। सो ये पूरा क्लियर होने वाला है। बाकी तब तक थंबनेल देख के जान ही गया होगा कि आज का वीडियो किस स्टेज पे है, बिकॉज ऑफ मेरे तो थोड़ा बहुत गॉड गिफ्ट है कि थोड़ा नेचुरल स्ट्रेट है, बट फिर भी मैं आज आपको स्ट्रेट करके दिखाने वाली हूँ कि कैसे आपको लॉन्ग टर्म तक आपका मतलब ओवरनाइट रह सकती है स्ट्रेटनिंग हेयर। बिकॉज मेरा तो रहता है थोड़ा बहुत, बट मेरा भी नीचे से वेव हो जाता है, वेवी हो जाता है। मैं आपको दूर से थोड़ा सा दिखा दूँ कि वैसे तो मेरा नेचुरल स्ट्रेट है बट नीचे से थोड़ा सा वेवी हो जाता है, बिकॉज ऑफ मैंने आज हेयर वॉश किया तो आज थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। लेकिन मुझे जाना था आज माता की चौकी में, सो मैं रेडी हो चुकी हूँ बट अपनी हेयर स्ट्रेट करने जा रही थी, तो मैंने सोचा एक छोटा सा लिटिल बिट वीडियो भी बना लिया जाए, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना ली जाए। सो लेट्स स्टार्ट, वीडियो स्टार्ट करते हैं, मतलब एपिसोड स्टार्ट करते हैं, इंफॉर्मेटिव एपिसोड। सो म्यूजिक, तो मैंने ले लिया है एक पैडल ब्रश और मैं इसी से हमेशा कॉम करती हूँ। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, आप लोगों को भी पैडल ब्रश से ही अपने हेयर्स को कॉम करना चाहिए। तो मैं कर रही हूँ इस टाइम अपने बालों का पार्टीशन। आपको जिस भी पार्टीशन में अच्छे लगते हो अपने हेयर्स, उस पार्टीशन में कर लेना। और अब मैं करूँगी कॉम अच्छे से, थोड़ा सा तो मेरे बाल कॉम हैं बट मैं नीचे से कर लेती हूँ कॉम। ओके, एक मिनट मैं अच्छे से कॉम कर लूँ, उसके बाद मैं बताने वाली हूँ कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स आज यूज़ करने वाली हूँ जिससे हमारे लॉन्ग टर्म तक, मैं जितनी देर रुकूँ बाहर उतनी देर मेरे हेयर स्ट्रेट रहें। सो ओके, स्टार्ट करते हैं। मेरे बाल हेयर अच्छे से कॉम हो गए क्योंकि मैं कॉम कर भी चुकी थी। सो ओके, थोड़ा सा नीचे से हो ही जाते हैं यार, कितना भी कॉम करो बट नीचे से। ओके, मैंने ले लिए हैं दो प्रोडक्ट्स। मैंने फिर उल्टा दिखाया हमेशा की तरह, जो कि मेरी हैबिट है उल्टा दिखाना प्रोडक्ट्स। तो यार मैंने ले लिया है नोवा का बूस्ट, और ले लिया मैंने पतंजलि का एलोवेरा जेल जो कि है नेचुरल और ये है केमिकल। ये तो सबको पता है केमिकल प्रोडक्ट्स तो होते ही हैं। सो ये है केमिकल, ये है नेचुरल। इस टाइम बाय वन गेट वन चल रहा है, सॉरी बाय टू गेट वन चल रहा है। मैं जस्ट अभी कल या परसों ही मैं इसको लेके आई हूँ, मेरा फिनिश हो गया था सो मैं लेके आई हूँ, तो बाय टू गेट वन चल रहा है। अगर आपको किसी को भी लेना है तो आप लोग अभी जा सकते हो, ले सकते हो मार्केट से भी, ऑनलाइन भी हर जगह चल रहा है इस टाइम बाय टू गेट वन। सो मैंने एक ले लिया है मूस और एक ले लिया एलोवेरा। तो एक इधर मैं अप्लाई करूंगी एलोवेरा और जस्ट एक साइड में अप्लाई करूंगी मूस, फिर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि ये भी बेस्ट है और ये भी बेस्ट है। बट अगर आपको नेचुरल के साथ करना है तो आप उसके साथ भी जा सकते हो, इससे बहुत अच्छा स्ट्रेट होता है। और इससे तो ऑफकोर्स केमिकल है तो होना ही है, बट इससे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन और मिथ रहता है कि यार ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा कि नहीं। सो मैं आपको बता रही हूँ अभी कि ये कितनी देर तक कैसे करना है और सच में कितनी देर तक ये चलेगा। मैं पार्टी से आ जाऊंगी, उसके बाद वाली भी क्लिप डालूंगी कि जस्ट मेरी एक्चुअल में वैसे ही रहे जैसे मैं करके गई थी। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। एक इधर लगाते हैं एलोवेरा और एक इधर लगाते हैं मूस, फिर आपको बताते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना है अपने हेयर्स में। वेट, तो मैं अब अप्लाई करने जा रही हूँ अपने हेयर में, एक साइड में एलोवेरा और एक साइड में देखिए टैप टैप टैप। ओके, मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ अच्छे से। अच्छे से कोई भी प्रोडक्ट लगाने के पहले अपने दोनों हाथों पे अच्छे से रब करना है, जिससे उसमें एक फॉर्मूला जनरेट हो जाए और वो हमारे हेयर्स पे अच्छे से अप्लाई हो और वर्क कर पाए। मैं सिर्फ, मेरा ऊपर तो आप लोग देख ही रहे हो कि नेचुरल स्ट्रेट है बट नीचे वेवी हो जाता है, तो जस्ट मैं करके दिखाने वाली हूँ नीचे कि नीचे किस तरीके से रहेगा। ओके, ये हल्का सा मतलब वेट लगने लगेगा बट ड्राई हो जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है कि वेट लगने लगा तो बेकार लगने लगेगा, ड्राई हो जाएगा अपने आप। ओके, अनदर साइड मूज। मैं सब कुछ लाइव कर रही हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं पीछे हो रहा है, कुछ सब कुछ लाइव हो रहा है। सो आप लोग बिलीव कर सकते हो, ये बड़ा तामझाम है इसको निकालना। ओके, वेट, फॉर्म रहता है ये, हल्का सा फॉर्म
ओके, मैं इसको अप्लाई कर लूँ। जस्ट मैंने अप्लाई कर लिया है दोनों साइड अच्छे से, नीचे भी, और मुझे नीचे ही करना है क्योंकि मेरा ऊपर नेचुरल स्ट्रेट है। ओके, अब मैं यूज करूंगी नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। मैं यूज करने जा रही हूँ वेगा का स्ट्रेटनर, जो कि मैं हमेशा वेगा के प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, चाहे वो कलर हो, चाहे वो स्ट्रेटनर हो, या फिर हमारा ड्रायर हो। मैं हमेशा वेगा के प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। मैं हायर मतलब इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ नहीं जाती हूँ कि मैं यार क्यों इन्वेस्ट करना, जब मुझे वेगा इतना अच्छा कम प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में अच्छा वर्क करके दे रहा है, तो फिर मैं क्यों ही हायर इंस्ट्रूमेंट्स में अपना पैसा वेस्ट करूँ। मुझे तो जस्ट बेस्ट लगता है डेली बेसिस के लिए वेगा। और मैं जहाँ से परचेज करती हूँ, मैं हमेशा बता चुकी हूँ मैं नायका से ही परचेज करती हूँ, बट फिर भी अमेजोन पे भी अच्छा मिल जाता है, अच्छे प्राइस में मिल जाता है। आप वहां से भी जाकर अटैच कर मतलब बाय कर सकते हो। मैं यहाँ पे फोटो अटैच कर दूंगी, जो कि मैं हमेशा ही कर देती हूँ। फिर भी कोई मुझे अगर नया देख रहा हो, इसलिए मैं हर बात मतलब ये बात हर बार बोल देती हूँ कि मैं फोटो अटैच कर दूंगी दोनों साइड में, तो मैं कर ही देती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। सो आई थिंक आज मेरी वॉइस कुछ लास्ट वीडियो से बेटर लग रही है क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट हो गई। यार हैप्पी नवरात्रि, सॉरी मैं भूल गया आप लोगों से बोलना, हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी न्यू ईयर। हमारे लिए तो आज से ही नया साल शुरू हुआ है और मैं हमेशा इसी नवरात्रि से अपने नए साल को मानती हूँ। आप लोगों को भी यही मानना चाहिए। प्यारी प्यारी चिट चैट हो गई हमारे बीच, और अब स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस को क्योंकि बहुत तो बोर भी होने लगे होंगे। सो बोर मत हो, थोड़ा तो चिट चैट बनता है यार। अगर थोड़ी सी चिट चैट नहीं करेंगे फिर कैसे मजा आएगा। चलो स्ट्रेट करते हैं अपने हेयर्स और आप लोगों को भी बताते हैं। मुझे भी लेट हो रहा है यार, मुझे पूजा में जाना है और मैं वीडियो बनाने लगती हूँ, बातचीत करने लगती हूँ, तो मुझे खुद भी नहीं पता चलता है। जस्ट मैं कभी कभी ना 1-1 घंटे की वीडियो बना लेती हूँ। हमेशा मेरा 40 मिनट से कभी भी नीचे नहीं बनती वीडियो, और मैं उसमें से काट काट के क्लिप्स, काट काट के क्लिप्स अपलोड करती हूँ जिससे वीडियो बड़ी ना बने। चलो स्ट्रेट करते हैं। ओके, थोड़ा सा रुक रुक के लाना चाहिए, अभी थोड़ा सा वार्म नहीं हुआ है, मैंने अभी स्टार्ट किया है। हल्का सा ही वार्म हो जाए तब मैं आपको बताती हूँ। फिर भी मैं बहुत छोटे छोटे पोर्शंस लेके कर रही हूँ जिससे अच्छे से हो जाए। देखिए आप लोगों को कैसे करना है। ये रहा हमारा, 1 मिनट, मैंने जस्ट मैंने खुद ही उल्टा पकड़ा रखा है। ओके, सो आपको लेना है छोटा सा पोर्शन अपने हेयर्स का और बीच में रखने अपने हेयर्स, अच्छे से ऊपर से ऐसे दबाना है और धीरे 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 नीचे लेके आना है अच्छे से। ओके 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 ओके, डन हो गया, डन। सो आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा स्ट्रेट हुआ है। यार मुझे स्ट्रेट हेयर बहुत पसंद है, बहुत बहुत। मुझे कर्ली हेयर से भी ज़्यादा हेयर स्ट्रेट हेयर पसंद है, और मुझे गॉड गिफ्ट है कि मेरे स्ट्रेट हेयर्स ही हैं क्योंकि मुझे। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस। मैं बहुत छोटे छोटे पोर्शंस लेके करती हूँ जिससे जो है मैं कर चुकी हूँ आधा, मैं पूरा एक साथ लेके भी कर दूँ जिससे अच्छे से हो जाए। नीचे मेरे नीचे हेयर्स वे भी होते हैं, ऊपर तो प्रॉपर सही रहता है। ओके, अच्छे से हो चुके हैं मेरा स्ट्रेट हेयर, डन। वाओ, ये है हमारा एलोवेरा वाला पोर्शन। आपको ने पहले देखा, मैंने इधर एलोवेरा यूज किया था, मैंने बहुत ज्यादा ऊपर से नहीं किए हैं, मैंने जस्ट नीचे ही किए हैं, तो आप लोग देख सकते हो बीच बीच में मैं छोड़ के कर रही हूँ। मैं प्रॉपर कर चुकी थी वीडियो बंद करके जिससे वीडियो लंबी ना हो। ओके, तो इस साइड का मेरा हो चुका है, आप लोग देख सकते हो इस साइड का मेरा प्रॉपर हो गया है एलोवेरा साइड का। आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा हुआ है। लोग कहते हैं वेगा वर्क नहीं अच्छा करता है, मुझे तो लगता है वेगा बहुत अच्छा वर्क करता है। ओके, मेरा एलोवेरा साइड का हो गया है अच्छे से, आप लोग देख सकते हो। अब मैं करने जा रही हूँ मूछ साइड का अच्छे से स्ट्रेट, और कैसे स्ट्रेट करना है वो तो अब मैंने आप लोगों को प्रोसेस बता ही दिया है। सो मैं स्ट्रेट करके आप लोगों को बताती हूँ, अभी अच्छे से स्ट्रेट कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। जस्ट ऐसे ही स्ट्रेट करना है, अच्छे से दबा के लाना है, धीरे धीरे नीचे लाना है, हल्का सा छोटा सा पोर्शन लेना है, जस्ट ऐसे छोटा सा पोर्शन लेके और उसको दबा दबा के। तो मेरा अब हो रहा है मूंछ वाला सेक्शन स्ट्रेट। आप लोग देख सकते हो कितना प्रॉपर स्ट्रेट हुआ है दोनों साइड में, मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है। अगर आप लोगों को कोई डिफरेंस लग रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि नहीं डिफरेंस था। सो प्रॉपर स्ट्रेट हो गया है, आप लोग देख सकते हो। ओके, मैं थोड़ा इस बार प्रॉपर कर रही हूँ कि मुझे भी जाना है थोड़ा पूजा में, तो मैं अच्छी दिखनी चाहिए यार। ऑलवेज गर्ल्स हमेशा अच्छी ही दिखनी चाहिए, ये तो एक अपने अंदर
हुनर होना चाहिए कि मैं जहां भी जाऊं अच्छी दिखूं। ये एक अंदर हर किसी, हमें लगता है हर लड़की में होता है ना कि यार जहां जाओ थोड़ा सा अपने आप को अच्छे से टचअप करके जाओ कि हाँ अच्छे दिखने चाहिए। ये नहीं होता है कि मतलब मैं ही सबसे अच्छी दिखूं, ये थॉट कभी नहीं आना चाहिए मैं ही सबसे अच्छी दिखूं। बट हाँ, ये थॉट हमेशा होना चाहिए कि अच्छे दिखना चाहिए अपने लिए, अपनी प्रेजेंस में, अपने लोगों के लिए हमेशा अच्छे दिखना चाहिए, बस दैट्स इट। ओके, हमारे हेयर्स देखिए फिलहाल अभी आप तो। ओके, मैं इसको रख देती हूँ अच्छे से वेट। तो यार ये मेरा था एलोवेरा वाला सेक्शन और ये था मेरा मूज वाला सेक्शन। सो आप लोग बताओ कोई डिफरेंस क्या नजर आ रहा है? मुझे तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है कि एलोवेरा से अच्छे नहीं हुए या मूज से ज्यादा अच्छे हुए, कोई भी डिफरेंस नहीं है। सो अगर आपके पास मूज नहीं है तो जस्ट एलोवेरा तो सबके ही घर में होता है, आप लोग एलोवेरा यूज करके अपने हेयर स्ट्रेट कर सकते हो। और हाँ, बात रही कि लॉन्ग टर्म तक चलने के लिए, ओवरनाइट चलने के लिए, 3-4 घंटे रुकने के लिए, सो वो तभी रुकेंगे जब आप यूज करोगे हेयर स्प्रे। जो मैं यूज करती हूँ टॉफ्ट का हेयर स्प्रे, आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पे इसकी भी फोटो अटैच कर दूंगी जहां से मैं परचेज करती हूँ, वो तो आप लोगों को पता ही है। सो मैं फोटो अटैच कर इसलिए करती हूँ कि आप लोगों को स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, आप लोगों को सर्च करने में प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन तीनों के लिंक मिल जाएंगे, इन तीनों के लिंक मिल जाएंगे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इन तीनों के क्या, वेगा का भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जस्ट वहां पे क्लिक करके जा सकते हो, डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। सो आपके ओवरनाइट या 2 to 3 आवर्स तभी रुकेंगे जब आप यूज करोगे हेयर स्प्रे, वैसे तो नहीं रुकने वाले, चाहे आप एलोवेरा से कर लो चाहे मुंह से कर लो, नहीं रुकेंगे। सो आप जब हेयर स्ट्रेटनर यूज करोगे और तीनों ये चारों प्रोसेस अच्छे से करोगे तभी आपके ओवरनाइट और 3-4 घंटे भी अच्छे से तभी रुकेंगे जब आप यूज करोगे हेयर स्प्रे। बाकी आप जनरली अगर मार्केट जा रहे हो, सो या मतलब जनरली 2 to 3 आवर्स के लिए कहीं जा रहे हो तो बिना हेयर स्प्रे भी जा सकते हो, ये ऐसे ही टिकेंगे, बिल्कुल भी इनमें कोई भी डिफरेंस आपको नहीं नजर आ रहा होगा, नहीं दिखेगा। सो आई थिंक आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, आप लोगों का मिथ क्लियर हो गया होगा कि एलोवेरा से भी अच्छे हेयर स्ट्रेट हो सकते हैं। आप लोगों ने और भी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे कि हाँ जस्ट एलोवेरा से होता है, बट मैंने लाइव दिखाया है। सो आप लोगों को आई थिंक थोड़ा तो बिलीव हुआ होगा कि हो सकता है, नहीं हो ही क्या सकता है, हो ही गया है, आप लोग देख ही सकते हो। सो प्लीज अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो हमेशा की तरह, सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही अपने अंदर के मिथ क्लियर करने के लिए मेरे साथ बने रहना। और कुछ और भी आपको अगर नॉलेज चाहिए या कुछ और भी ब्यूटी कॉन्टेक्ट में आपको कुछ पूछना है मुझसे, तो प्लीज मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट जरूर करना अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आ गया हो और क्लियर हो गई हो सारी चीजें। अगर कुछ भी मिसमैच हुआ हो या फिर कुछ भी मुझसे गलती हुई हो तो प्लीज आई एम रियली सॉरी। तो मेरी वीडियो एंजॉय करने के लिए थैंक यू सो मच, मेरी चिट चैट एंजॉय करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हो और मेरी चिट चैट अच्छी लगती हो, सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और सपोर्ट करना, प्लीज कीप लविंग कीप सपोर्टिंग। और मैं इस लुक में इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी अच्छी रील्स आने वाली है, बहुत अच्छी अच्छी फोटोज पोस्ट करने वाली हूँ, तो वहां पे भी जाके फॉलो करना और लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करना, क्योंकि वहां पे भी बहुत अच्छी अच्छी रील्स और बहुत अच्छी अच्छी मेरी पोस्ट, मेरी लाइफ अपडेटेड वहां पे इंस्टाग्राम पे ही, मोस्टली लाइफ अपडेट मेरी इंस्टाग्राम पे ही आती है। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और वहां पे भी जाके मुझे फॉलो करना प्लीज। बाय बाय गाइस, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, आई लव यू।